मुझे वो वजह मालूम हो गई है कि अवाम की हालत क्यों नहीं बेहतर होती, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ बद से बदतर क्यों होती चली जाती है। वो वजह 2 नवंबर 2023 के अखबार में बताई गई है। अखबार की एक खबर से मालूम होता है कि अवाम की हालत इसलिए नहीं बेहतर होती कि जिन हुक्मरानों और अफसरान की जिम्मेदारी है अवाम की हालत बेहतर करना, वो अवाम के बजाय सिर्फ अपनी हालत बेहतर करने का सोचते हैं। नोकझोंक की वीडियो में अखबार से पढ़कर आपको ये खबर सुनाऊंगा और थोड़ा हिसाब किताब लगाऊंगा। मैं हूं उमर महमूद। वैसे तो ये खबर तकरीबन तमाम ही अखबारात और मीडिया चैनल्स पर आ चुकी है, लेकिन मैं आपको रोज़नामा डॉन से पढ़कर सुना रहा हूं। इस खबर की सुर्खी है, टॉप ब्यूरोक्रेट्स गेट हेफ्टी पे रेस। इसका मतलब है कि जो चोटी के ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो आला तरीन सरकारी अफसर हैं, उनकी तनख्वाहों में हेफ्टी, हेफ्टी का मतलब होता है भारी, बहुत ज़्यादा, ठीक ठाक इजाफा कर दिया गया है। यानी कि वो अफसरान जो सरकार को चलाते हैं, जिनकी जिम्मेदारी है ऐसे मंसूबे बनाना कि अवाम की जिंदगियों में आसानी आए, अवाम की मुश्किलात कम हो, अवाम के लिए महंगाई का बोझ सहना आसान हो जाए, अवाम को सुख का सांस आए, उन अफसरान ने सिर्फ अपने लिए, सिर्फ अपनी आसानियां पैदा करने के लिए, सिर्फ खुद को महंगाई से बचाने का बंदोबस्त कर लिया है, सिर्फ अपनी जिंदगियां सुखी करने का मंसूबा बना लिया है। जिनकी जिम्मेदारी थी कि जब महंगाई की बारिश बरसे तो ये अफसरान ऐसी पॉलिसियां बनाएं, ऐसा लायमल तरतीब दें कि अवाम महंगाई की उस बारिश में भीगने से बच जाए, अवाम के सरों पर एक ऐसी छतरी तान दी जाए जिससे महंगाई के कतरे अवाम तक पहुंच ही ना सकें, या पहुंचे भी तो बहुत मामूली मकदार में पहुंचे। लेकिन उन अफसरान ने क्या किया, आफियत की वो छतरी सिर्फ अपने ऊपर तान ली है और अवाम को महंगाई के तूफान में थपेड़े खाने के लिए छोड़ दिया है। और जब उन अफसरान का अपना बंदोबस्त हो गया तो जाहिर है फिर उन्हें अवाम के लिए सोचने की ज़रूरत ही क्या है, फिर उन्हें अवाम का दर्द, अवाम का दुख महसूस ही कैसे हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूं कि इन अफसरान की तनख्वाहों में इजाफा हुआ कितना है। ये जो अखबार ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है ना हेफ्टी, ये एम ही नहीं किया। खबर के मुताबिक जो MP1 स्केल है ना, MP का मतलब होता है मैनेजमेंट पोजीशन, MP1 स्केल की तनख्वाह पहले थी तकरीबन 5.5 लाख रुपए से लेकर 7 लाख रुपए माहाना तक, वो तनख्वाह अब कर दी गई है तकरीबन 8 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए माहाना तक। और सिर्फ ये नहीं बल्कि उन अफसरान को ट्रांसपोर्ट मोनेटाइजेशन अलाउंस भी मिलता है। ट्रांसपोर्ट मोनेटाइजेशन अलाउंस का मतलब गालबन ये होता है कि उन्हें सरकारी गाड़ियां और पेट्रोल देने के बजाय एक रकम दे दी जाती है, ये मेरा अंदाज़ा है, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो कमेंट्स में तसीह फरमाइएगा। तो MP1 स्केल के अफसरान का महाना ट्रांसपोर्ट मोनेटाइजेशन अलाउंस है 95,910 रुपये महाना। ये अलाउंस शामिल करने के बाद महाना तनख्वाह का पैकेज बन जाता है 9 लाख रुपए से लेकर 11 लाख रुपए तक। इसी तरह MP2 स्केल की तनख्वाह जो 4 लाख रुपए तक होती थी उसे बढ़ाकर तकरीबन 6 लाख रुपए महाना कर दिया गया है। ट्रांसपोर्ट मोनेटाइजेशन अलाउंस 77,000 रुपए इसके अलावा है। MP3 ग्रेड अफसरान की तनख्वाहें जो तकरीबन 2.5 लाख रुपए महाना तक हुआ करती थी वो बढ़ाकर तकरीबन 3.5 लाख रुपए महाना कर दी गई हैं और उनके लिए ट्रांसपोर्ट मोनेटाइजेशन अलाउंस हो गया है 65,060 रुपये, तकरीबन 65,000 रुपये। मेरे ये तनख्वाहें बताने का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि इनकी इतनी तनख्वाहें नहीं होनी चाहिए। जाहिर है अगर किसी फ़र्द ने पढ़ा है, मेहनत की है, वो एक नौकरी पर लगा है तो कमाने के लिए लगा है। बंदा इसीलिए कोई नौकरी करता है, कोई काम धंधा करता है कि कमाए और फिर अपने अहले खाना के अखराजात पूरी करे, और मुनासिब और अच्छी तनख्वाह वसूल करना हर किसी का हक है। मैं ये ऐसा हरगिज़ नहीं कह रहा कि मैं उन्हें इस तनख्वाह मिलने के ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन जब आप एक सरकारी अफसर हैं और मैनेजमेंट पोजीशन पर हैं तो आपकी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ ख़ुद को मैनेज करने तक महदूद नहीं है,
बल्कि जिन इदारों में आप काम कर रहे हैं आपकी जिम्मेदारी है उन इदारों को ऐसे मैनेज करना कि वो मुल्क के लिए असासा बने, उन इदारों से मुल्क में बेहतरी आए, और मुल्क में बेहतरी आएगी तो अवाम की हालत में बेहतरी आएगी। इसके बरक्स हो क्या रहा है? इस वक्त पाकिस्तान में महंगाई की शरह तकरीबन 27% तक है। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर आपकी आमदन 100 रुपया थी और आप उस आमदन से 100 रुपये की कोई चीज़ ख़रीदा करते थे तो अब वो चीज़ 127 रुपये की हो चुकी है, जबकि आपकी आमदन वही 100 रुपये है। अब वो चीज़ आपकी कुव्वत ख़रीद से बाहर हो चुकी है, 27% के हिसाब से महंगी हो चुकी है। अब अंदाज़ा ये लगाते हैं, बल्कि हिसाब लगाते हैं कि इन अफसरान की तनख्वाहों में जो इजाफ़ा हुआ है वो कितने परसेंट है, कितने फ़ीसद इजाफ़ा है। इसके लिए हम अपना कैलकुलेटर निकाल लेते हैं, मतलब मोबाइल फ़ोन निकाल लेते हैं जिसके अंदर कैलकुलेटर है। जिसकी तनख्वाह थी 5,54,600 रुपये, मैंने पहले आपको राउंड फिगर्स में बताया था 5.5 लाख रुपये, वो एग्जैक्ट फिगर्स हैं 5,54,600 रुपये, और अब उसकी तनख्वाह हो गई है 8,04,180 रुपये। तो हम क्या करेंगे कि हम 8,04,180 रुपये में से हम माइनस कर देंगे, मनफी करेंगे 5,54,600 रुपये, तो ये जवाब आया 2,49,580 रुपये, मतलब तकरीबन 2.5 लाख रुपये माहाना के हिसाब से तनख्वाह में इजाफ़ा किया गया। अब हम इस इजाफे की परसेंटेज निकालेंगे, वो परसेंटेज निकालने के लिए हमें यही जो रकम है 2,49,580 रुपये इसको हम तकसीम करेंगे, जो पहले की तनख्वाह थी, इजाफे में पहले से तनख्वाह थी 5,54,600 रुपये, और इसका जो आंसर आएगा, इसका जो जवाब आएगा उसको हम ज़रब देंगे 100 से। तो ये हमारे पास जवाब आ गया, ये इजाफा बनता है तकरीबन 45%, मतलब महंगाई 27% थी, इनकी तनख्वाहों में इजाफ़ा किया गया 45%। मैं दोबारा कह रहा हूँ, मुझे किसी की भी तनख्वाह में इजाफे पर रत्ती बराबर भी एतराज़ नहीं है। बेशक आप 45% के बजाय 60% बढ़ा लीजिए। सवाल सिर्फ ये है कि जब आप हुकूमत पाकिस्तान के मुलाजिम हैं, जब आपकी तनख्वाह अवाम के टैक्स के पैसों से अदा की जानी है, तो आप ऐसे मंसूबे क्यों नहीं बनाते, ऐसा लायमल क्यों नहीं बनाते कि अवाम की आमदन में भी इजाफा हो जाए, सिर्फ आप ही नहीं पूरा मुल्क भी खुशहाल हो जाए। और जब तक ऐसा नहीं होता, जब तक अवाम 27% महंगाई के पहाड़ तले कुचले जा रहे हैं, तो हालात के बेहतर होने तक आप भी अपना हाथ रोक लीजिए।